बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खरीद होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बार रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। इस नेक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर नुस्लावी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलें, आज हम आए हुए हैं अली भाई के घर, और यहाँ गंदम का बीज जो है ना वो ले कर जाना था, क्योंकि भाई ने पिछले साल जो न्यू वैरायटी अकबर बीज बीजा था उसका जो एवरेज थी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, 20 जो है ना बोरी फी एकड़ जो है ना आई। तो मैंने कहा कि भाई मुझे भी ये बीज देना, ताकि हमारी भी एवरेज जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चले जी, अब भाई लोगों से मुलाकात करवाते हैं और इनसे गपशप लगाते हैं और फिर बीज लेके चलते हैं। हाँ जी भाई, की हाल है थोड़ा? अज मेरा ख्याल भाई हुणे भी जड़ा ना हो कणक बीज दे रहे ने, काम कर दे रहे ने, भाई शाह ते भाई अली, ते मेरा ख्याल बाग शाग ता ला देता वा। नहीं आज शाम तक रात तक वेले हो मोटर चला के पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ते ओ किन डीएपी थले पाई है? हां जी डीएपी पाई। अच्छा जी, नाल मैं अपने भांजे सफियान नूं लै के आया, मैं कि वी नाल दोनों मोटरसाइकलों ते जावांगे, जाके जरा ना बीज वगैरह चक लियावांगे। फिर हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही ठीक है। देखते हैं हमारा भैन की कर दी है। मैं भी रोटियां बना दी। सही है, सुबह ना कर दी ना नाश्ता, दोपहर नहीं खाई दी, ऐसे बिना प्लान ना बना लेती है। नहीं बहुत अच्छी गल। हाँ जी सही, इतने कौन सी काम के अभी? असी बस हुण जाके बीजांगे, हुण बीजा लैके जाने आ ते जाके फिर बीजदे आ। बच्चे जी जिहड़े आ ना कहिंदे सी कि असी नाल जाणा ते ट्यूबवैल ते नहाणा। मैं क्यों भी गर्मियां च लैके जाऊंगा, हुण तां सर्दी आ गई, हुण तुसी कित्थे नहा सकदे हो? मार कहिंदा सी कि मैं जिहड़ा ना पापा नाल जाणा। ते अदन तां नहीं कहिंदी, अदन नहीं जिहड़ा ना इन्ना अदर नूं नहीं कोई भी शौक है। हाँ मुंडे नूं ज्यादा वा। होर तुसी सुनाओ कोई नवी ताजी? असीं भी बस कणक ही बीज रहे हो। अच्छा हाँ जी सही, छट्टा छुट्टा मारिया वा ठीक, गड्डी वाला भाई आंदा आके हर वाह के ते फट्टा कट के पानी ला दंगे। तुहाडी ते शादी दी तैयारी कंप्लीट हो गई है? कितों होई है? हां चलो साहब, उन्होंने एक चीज नहीं लई। जो हिसाब होना था क्या कहने, इन्होंने दो दिन की तैयारी कर लेनी है। इन्हों की तो फयाज भाई ने तो सोचा है ना कोई इन्होंने डिफरेंट करना, तो असी तो जरा ना सही सही, असी तो भाई अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली, एक बास्केट रह गई है ते ओ इंशाल्लाह जड़ी है नोले। अच्छा सही, बहुत अच्छी गल। भाई कहंदा भी असी जड़ा ना बिल्कुल सादगी ना, असी भी सादगी ने इंशाल्लाह आवांगे। तुसी हुण ये दसो भी तुसी इधरों होना या उधरों होना? हैं इधरों होना? अच्छा उधरों नहीं होंगे शायद, असी इधरों जड़ी एक तो रस्मा पहले कर लिए तो उधर हो जाइए ना। चलो ये भी ठीक हो गया, सही हो गया। नहीं ये हक बनता, इधर भी थोड़ा ज्यादा हक है, इधर भाई दी जिहड़ी आ रिश। हां जी इधर भाई दा वा, उधर तुहाडा वा, ठीक है दोनों पासे रखने पे। अजीज अजीज ते इकरो भी इंशाल्लाह करेंगे, उधर भी करेंगे, सही दोनों बहाने बता देने। अच्छा भाई यार थोड़े दिन से पास जा के है, तो चलो ठीक है मेरा हो जाए। जी असीं गंदम दी बिजाई करन लगे हां, ते असीं छिट्टा देंदे पए हां, ठीक है। तो हुण असीं सारी गंदम की बिजाई करांगे। अच्छा जी असीं हुण इस वक्त जिहड़ा ना ये छिट्टे इकट्ठे करदे पए हां, क्योंकि इस करके बाजरा टुट गया, छिट्टे इस करके इकट्ठे करदे पए हां ताकि पानी जिहड़ा ना इहदे विच आवे ना।
तो बोर चलता पाया, ट्रैक्टर हल मारता पाया, ठीक है ना, तो कणक बीजते पे हैं। इस वक्त मैं इस तरह हाशिए ला रहा ताकि बट्टा कढ़ने वास्ते। ट्रैक्टर जड़ा ना वो तकरीबन हल वाह चलिया, तो हूँ असी बस ये पानी लगावे, पानी लगा के तो फिर जड़ा ना वह बट्टा नाल नाल कढ़ते हैं, तो नाल पानी चलाने। हूँ इस वक्त मैं अपने भैन भरावों दिखाता पाया कि देखो हालत सिड़ी हुई खड़ी है, जिमीदार मिट्टी हो मिट्टी काम कर करके जरा ना इस तरह हालत हो गई है। तो बाद सारा काम मुकम्मल करन तो बाद फिर फ्रैश होवांगे। लेकिन अलहमदुल्ला मैं अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र अदा करदा, और सब तो पहले सुबह नमाज़ पढ़न तो बाद अल्लाह ताला अगे दुआ की कि या अल्लाह मैनू रोज़ी दे। मैं बाजरा बीजन तो बाद हुण कणक बीजदा पिया, या अल्लाह मैनू जरा ना रोज़ी दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकाँ और अपने मकान बना सकाँ। और देखने वाले भैन भरावों अगे भी रिक्वेस्ट है कि वह जरा ना साढ़े हक अंदर दुआ करन। हाँ जी, यह जिंदरे दे नाल असी वटां कढ़दे पए आ, यह सिंगल वट, यह देखो असी डबल कढ़ दित्तियां, यह सारियां किन्नियां जबरदस्त वटां जिहड़ियां ना निकल गईयां बेहतरीन। ये हुण असी इधर नूं वटां कढ़दे जांदे आ, ये समझ लो एक ते दो दो तीन वटां रहिंदियां, ते बाकी इंशाल्लाह जिहड़ियां ना वटां निकल गईयां। तो जिंदरे ना सफियान जिंदरा लांदा ते मैं जिंदरा खिंचदा वा, इस तरह करके जिहड़ा ना असी दिखाने ये देखो इस तरह करके वट असी कढ़दे आ। साढ़े कोई दूसरा बंदा है नहीं जिहड़ा ना मोबाइल पकड़ सके, तो इस वजह तो असी बस हुण शायद मैं हुण दूसरे तरीके ना दिखाना। हाँ जी, यह देखो बिंग वट बिंगी हो जानी है। चलो ठीक है, असी जरा इस तरह वटा कढ़ते पे हैं जी। यह देख सकते हो कि खेत च पानी पैंदा पे, ऐसी पानी लगा दिता तो इस क्यारे नूं पानी चलता पिया। यह जड़े खेत हजे जड़ा ना पानी लगाने वाले रहिंदे ने, वह बोर पीटर चलता पिया। ये नक्की इस करके नहीं लाए हैगे कि उहदी वजह यह है कि मैनू नहीं सी पता हैगा कि किहड़ी साइड तो पानी ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। हुण अगली बारी जड़ी होएगी वो च नक्के फिर लावांगे। खाले च पानी की स्पीड भर जाना क्यारा भर जाना जी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कितना जबरदस्त पानी पै रहा। मैं ना बहुत अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करदा, या अल्लाह तेरा लख लख शुक्र कि जड़ा ना तुसी इन्ना कुछ जड़ा ना वो नेमत दिती है पानी वाली, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र कि इन्नी जबरदस्त जड़ा ना ये गंदम की बिजाई हो रही है। कोर छट करता पाया मैं, इन्ने खेत भर दिते है ते ऐ रह गए ने एक दो तीन चार चार क्यारे रह गए ने। हाँ जी, असी स्लो स्पीड ते बिल्कुल चलाया हुआ पीटर, तो इस करके असी क्या भी अगर ज़्यादा स्पीड दईए तो फिर पानी टुटदा सी,
ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ 11 ਸਾਡਾ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਵੀ 1 11 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੱਕ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਣ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਰੈਂਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਈ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਘਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੂਹੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਬੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਰੋਲ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚਾੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।